मेरी दादी हमेशा कहती है कि जिंदगी में जीत उसी इंसान की होती है जो अपने आप को हर तरीके से परफेक्ट रखता है। मन की सुंदरता भी जरूरी है, लेकिन इंसान के मन तक लोग उसकी शक्ल देखकर ही तो पहुंच पाएंगे ना। अब देखो, अगर हम अपने आप को प्रेजेंटेबल नहीं रखेंगे तो लोग हमें देखेंगे भी नहीं, और जब लोग हमें देखेंगे नहीं तो हमारे मन तक कैसे पहुंचेंगे। सो बस मैं अपनी मम्मा के साथ साथ अपनी दादी के एडवाइस भी फॉलो करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी दादी मेरी मम्मा से ज्यादा प्रैक्टिकल है। और मेरी दादी, पता है, मेरी दादी ये भी कहती है कि अगर जिंदगी में परिवार जरूरी है तो उतनी ही जरूरी आपकी आजादी है। और वो मुझे हमेशा सिखाती है कि आप दूसरों को खुश रखते हो ना, तो दूसरों को खुश रखने से पहले अपने आप को खुश रखना सीखो। माना कि मेरी मम्मा हमेशा मुझे यही कहती है कि दूसरों के बारे में सोचो, दूसरों की खुशी का ख्याल रखो, लेकिन मेरी दादी भी सही है यार। जब तक हम खुश नहीं रहेंगे, हम दूसरों को कैसे खुश रख सकते हैं, राइट? बस मेरी दादी ही मेरी गुरु है। क्योंकि समाज में रुतवा, हमारे रहने सहने का तरीका, इन सब से तो हमारी पहचान बनती है, वरना लोग हमें कहाँ पहचानेंगे। सो बस मैं अपनी दादी की तरह अपनी सुंदरता और अपने रहने का, इन सब चीजों का ना खास ख्याल रखती हूँ।